choke you down just like a pill. Hey guys and welcome back to Justice League. तो पिछले एपिसोड में आपने ड्राउंड अर्थ की कहानी को देखा जहाँ लेजेंड ऑफ डूम टोटलिटी को लेकर भाग जाती हैं, लेकिन ब्लैक मांटा उनकी टीम को छोड़ चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि लेक्स लूथर ने जोकर को अपनी टीम में कैसे मिलाया। गोथम शहर के बाहर एक फैक्ट्री, इस फैक्ट्री के अंदर जोकर के बलून्स तैयार किए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल वो एक परेड के अंदर करने वाले हैं। एक आदमी सीढ़ियों पे चढ़ते हुए रोते हुए जोकर से कह रहा है, इससे पहले कि आप बटन दबाएं, आपको गैस मास्क पहनना होगा। ये फॉर्मूला इतना ताकतवर है कि ये पिछले वाले 3 बलून से निकल चुका है और इसे ताकतवर होना होगा, वरना इसका असर कई 100 लोगों के ऊपर नहीं हो पाएगा। अब प्लीज मिस्टर जोकर, क्या मैं अपनी वाइफ को कॉल कर सकता हूँ ताकि मेरी वाइफ और बच्चे उस परेड के अंदर ना जाएं? लेकिन जोकर उसे मार देता है। उसने कहा, चिंता मत करो एडी, मैं खुद उन्हें बता दूंगा। फिर जोकर अपने ऑफिस के अंदर घुसा जहाँ पे लेक्स लूथर पहले से ही बैठा हुआ था जो जोकर के काम के ब्लूप्रिंट देख रहा होता है। उसने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, मैं देखना चाह रहा था कि तुम आजकल कौन सी प्लानिंग कर रहे हो, और एक तरीके से कहूँ तो ये काफी शानदार भी है। यहाँ एक रियल जीनियस का दिमाग लगा है, तुम अपना सबसे ज्यादा टाइम प्लान बनाने में लगाते हो, लेकिन आज मैंने अपनी पूरी दोपहर उन बॉम्ब्स की तारे चेक करने में लगाई जो तुमने गौतम सेंट्रल एवेन्यू के नीचे लगाए थे, और अगर तुम्हारा बलून वाला प्लान काम नहीं करता है तब भी तुम 10-15 लोग तो मार ही दोगे, और इसे बैटमैन को काफी बुरा लगेगा। मैं जानता हूँ कि तुमने इस काम में कितनी मेहनत की है, और मैं भी सुपरमैन के खिलाफ इसी तरीके से मेहनत करता था, लेकिन फिर मैंने दूसरा तरीका अपनाया, और इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? जोकर उसकी तरफ उछला। उसने कहा, ओ लेक्सी, मुझे लगता है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं बहुत चालाकी और बेईमानी से हत्याएं भी करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि जोकर लेक्स लूथर को टच भी कर पाता, उसे एक झटका लगता है। लेक्स ने कहा, ओ प्लीज, क्या तुम्हें लगा कि मैं यहाँ पे बिना सावधानी के साथ आऊंगा? इस फोर्स फील्ड के थ्रू तुम मुझे टच भी नहीं कर पाए। देखो, मैं सीधा काम की बात करता हूँ, अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे ढूंढ लिया तो बैटमैन यहाँ 30 मिनट में पहुँच जाएगा। मैं यहाँ तुम्हें रोकने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने इंसानियत की सच्चाई देखी है और तुम इसकी चोटी पे हो। जोकर कहते हैं, अगर मुझे पहले ही पता होता कि मैं तुम्हें टच भी नहीं कर पाऊंगा तो मैं तुम्हें मारने का कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करता। लेक्स ने कहा, मैं तुम्हें अनलिमिटेड पावर देना चाहता हूँ, जैसे तुमने पहले फील नहीं की होगी। तुम कॉस्मोस को हिलाकर रख सकते हो, टाइम को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हो, तुम बहुत क्रिएटिव हो और इतनी पावर के साथ बहुत कुछ कर सकते हो। जोकर कहता है, अब तुम मेरा सिर दर्द कर रहे हो, लेकिन मेरा सिर पहले से ही बहुत दुख रहा है। तभी वो अपने डिवाइस का बटन दबाता है और उसने कहा, असल में बैटमैन यहाँ 5 मिनट में पहुँच जाएगा, मेरे साथियों ने उसकी कार का पता लगा लिया है, और जो टॉक्सिन मैंने अभी छोड़ा है वो इतना खतरनाक है कि तुम्हारी किसी भी फोर्स फील्ड के आर पार जा सकता है, इसीलिए हमें आगे बढ़ने से पहले कुछ बात करनी है। मैंने सुना है कि तुम आजकल क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जिन लोगों से तुम मिल रहे हो, तुम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम नहीं बल्कि सबसे बेस्ट और बुरी टीम इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन अगर तुम मुझे अपनी टीम में शामिल करना चाहते हो तो एक चीज है जो तुम्हें करनी ही होगी, और मैं ये बात बहुत सीरियसली कह रहा हूँ। द बैटमैन हु लाफ्स, वो एक बहुत कुत्ती चीज है, वो तुम्हारा पूरा प्लान खराब कर देगा। तो डील ये है, या तो वो या मैं। तो लेक्स हंसकर डील मान लेता है। जोकर ने कहा, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। तो लेक्स कहता है, जोकर, मैं क्रिएशन की पावर अपने हाथों में लेने वाला हूँ, भला मैं उस कमीने का क्या ही करूंगा। लेकिन गाइस, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि लेक्स लूथर को बैटमैन हु लाफ्स की मदद लेनी ही पड़ी। इस टाइम लेक्स बैटमैन हु लाफ्स के साथ अपनी पुरानी बातें सुन रहा है जिसमें उसने परपेचुआ का नाम बताया था। तो लेक्स टोटेलिटी से बोलता है, क्या तुम मुझे सुन सकती हो परपेचुआ? क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकती हो? तभी लेक्स को एकदम से शक हुआ कि जोकर उसे पीछे से देख रहा है, लेकिन ये सिर्फ उसका वहम था। और गाइस, अब जब ब्लैक माउंटर टीम के अंदर नहीं है और टीम में 7 मेंबर्स चाहिए, तो काफी सारे विलन्स को लेजेंड ऑफ डूम के हेडक्वार्टर के अंदर पट्टियां बांध के लाया जाता है, जिनमें है सोलोमन ग्रुंडी, स्केयरक्रो, रिडलर और काफी सारे ऐसे विलन्स जिन्हें मैं नहीं जानता क्योंकि मेरी इतनी नॉलेज नहीं है। ग्रोड लेक्स लूथर से कहते हैं कि हमें तुम और जोकर जल्दी से यहाँ पे चाहिए ताकि हम इन्हें कंट्रोल में रख सकें। तो लेक्स ने कहा, शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हम इनके ऊपर पहले से ही कंट्रोल कर रहे हैं। मैं अब भी तुमसे ये कह रहा हूँ कि किसी और मेंबर को लाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले से ही फुल पावर है। इनमें से कोई भी
यूनिवर्स के उन हिडन फोर्सेस को यूज करने के लायक नहीं है। ग्रोड ने कहा, हमें अपने दुश्मन के अंदर डर पैदा करना है। हमें ब्लैक मंटा जितनी पावर का कोई चाहिए ताकि हम इस लड़ाई को जीत सकें। फिर रेडलर इनसे कहता है, अच्छा मुझे यह बताओ, तुम इस दुनिया के खतरनाक इंसानों को कहाँ छुपाओगे? और इसका जवाब है, जहाँ भी तुम चाहो। अब तक मैं ये तो समझ चुका हूँ कि तुम्हारा हॉल ऑफ डूम एक लोकेशन पे फिक्स नहीं रहता, तो आज हम कहाँ हैं? सिनिस्टर ने कहा, यह तुम तभी जान पाओगे जब तुम अपने आप को बाकियों से बेहतर साबित करोगे। लेकिन चिंता मत करो, यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि गाइस इस टाइम पे ये एक मून पे हैं। तभी इन विलन्स को अपने सामने रखी कुर्सियों पे कुछ तोहफे रखे दिखाई देते हैं। ग्रोड चीता की तरफ देखता है कि ये तोहफे किसने रखे हैं, तो चीता ने कहा, मेरी तरफ मत देखो, और गाइस ये तोहफे जोकर ने रखे थे। तभी ग्रोड लैक्स से कहता है कि एक प्रॉब्लम आ चुकी है, और लैक्स को जोकर की हंसी सुनाई दी। लेकिन ये हंसी जोकर से नहीं बल्कि वहाँ मौजूद सारे विलन से आ रही थी। जोकर ने वहाँ अपना टॉक्सिन फैला दिया था। जोकर ने कहा, काश कि मैं इस हंसी को डिब्बे के अंदर बंद कर पाता, ये काफी स्पेशल है। तुम्हें देखना चाहिए कि सेंटर हॉल में क्या हो रहा है। ओ लैक्सी, मुझे लगता है कि वो लोग एक दूसरे को फाड़ने वाले हैं। कितनी बुरी बात है। मैं जानता हूँ कि उस बोलने वाले बंदर को हंसाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने सभी के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया है, यहाँ तक कि उनके लिए भी जो अभी यहाँ पे आए हैं। ये तोहफा उनको वापस आने पे मजबूर करता रहेगा अगर वो हंसते हंसते नहीं मरे तो। लैक्स ने कहा, तुम्हारी तरफ से कितनी बचकाना हरकत है। जोकर कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने मेरी डील तोड़ दी। लैक्स ने कहा, जो हम यहाँ पे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज किसी भी डील से ज्यादा बड़ी है। लेकिन क्या तुमने ये सोचा था कि मैंने इसके लिए तैयारी नहीं की? जोकर कहता है, ओ तुम्हारा सीक्रेट आर्मर, मुझे लगता है कि मैं उस अलमारी में गया था जहाँ पे तुमने अपना आर्मर रखा हुआ था। लैक्स ने पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? जोकर कहता है, मैं कल रात तुम्हें घसीटता हुआ सीधा इस अलमारी के पास लेकर आया था ताकि मैं तुम्हारा हाथ स्कैन कर सकूं। वैसे तो मैं तुम्हारा हाथ काट लाता, लेकिन मुझे लगा कि इससे सरप्राइज वेस्ट हो जाएगा। देखा मैं कितना शरीफ जोकर हूँ, और मैं तुम्हें भी काफी अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम कभी चेंज नहीं होते, हमेशा लूथर के लूथर। तुम वही चीज बार बार करने की कोशिश करते हो, कितना फनी है ना। तुम्हें लगा इस टाइम तुम कुछ नया कर रहे हो, लेकिन नहीं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तुम जैसे इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता, सारा मजा खराब हो जाता है। ब्रेकफास्ट करने से पहले मुझे 3 बार अपनी पर्सनैलिटी बदलनी पड़ती है। लेकिन गाइस, लूथर अपने आर्मर के हाथ को फिर से ठीक करता है और इसी हाथ को पहनकर बाहर निकल लेता है, जहां वो हंसते हुए विलांस लूथर के ऊपर हमला करने आए थे। लेकिन फिर भी लूथर उनके ऊपर पूरी पावर से हमला नहीं करता। जोकर ने कहा, अरे यार क्या बोरिंग कर रहे हो। तो लैक्स कहते हैं, मैं ये सब तुम्हारे लिए बचा रहा हूँ बेटा। जोकर ने कहा, ओ नो, मेरी तो पैंट गिली हो गई। तभी लैक्स पूरे हॉल को शट डाउन करने का ऑर्डर देते हैं, और उसने इंटरोगेशन चैम्बर के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी। जोकर ने पूछा, भला तुमने ऐसा क्यों किया? लैक्स कहते हैं, क्योंकि मैं इस जगह के बारे में हर चीज जानता हूँ, ये भी कि तुम इस टाइम कहाँ पे हो। जोकर ने कहा, ओ शानदार, तो शायद इसीलिए तुम अब मेरे जाल से बाहर निकल चुके हो और आउट ऑफ डेंजर हो। लेकिन गाइस, असल में लैक्स लूथर अभी डेंजर के अंदर घुसा है, चारों तरफ से उसके ऊपर चक्रिया चल रही है। जोकर कहता है, देखा, तुम्हें मुझे इतनी छूट नहीं देनी चाहिए थी। मैं जानता था कि तुम हमेशा मेरे ऊपर नजर रखे रहोगे, लेकिन तुमने सोचा होगा चलो जोकर को एक टॉर्चर रूम बनाने दो, थोड़ा बिजी रहेगा। लेकिन मैंने तो इस पूरे बेस को एक टॉर्चर रूम बना दिया। लैक्स ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरीके से तुम मुझे इम्प्रेस कर लोगे? जोकर कहता है, यहाँ पे कोई तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा, और क्या तुम्हें अब तक पता नहीं चला कि तुम यहाँ हार क्यों रहे हो? तुम इतने लंबे टाइम से अपने उस डोर नॉब को पकड़े हुए थे जिसे तुम एक कांच के बर्तन में रखते हो, और तुम्हें लगता है कि उस बर्तन को तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे तुम्हें लगता है कि तुम एक गॉड हो। लैक्स के मन में डर भर गया, उसने कहा, प्लीज उससे दूर रहना। लेकिन जोकर कहते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। वो लैक्स के पास आ चुका था, हालांकि लैक्स के चारों तरफ टॉक्सिन फैला हुआ है, लेकिन उसका लैक्स के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। वो जोकर को सामने आने के लिए बोलता है, तब जोकर उसके पीछे से सामने आता है। उसने कहा, लैक्स तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो गाइस, जोकर उसी डोर नॉब से पीट पीट कर लैक्स को बेहोश कर देता है। इसके बाद जब लैक्स जागा, तब वो बैटमैन हु लाफ्स की तरह जंजीरों में बंधा हुआ था। उसके चारों तरफ विलन्स बैठे हुए थे। लैक्स ने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए मार डालूंगा जोकर, मैं तुम्हारा दिमाग खोलूंगा और तुम्हारी हर एक नस के अंदर इतना दर्द पहुंचाऊंगा कि तुम बेहोश भी नहीं हो पाओगे। जोकर कहते हैं, अरे बोलते रहो बोलते रहो,
तब शायद जाकर तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छा सा आइडिया आ जाए, लैक्सन बाकी विलन से कहते हैं। अगर मुझे किसी तरीके से पता चला कि तुम लोग इसका साथ दे रहे हो, जोकर कहते हैं। ओ लैक्सी, इतना अजीब बिहेव मत करो। मैंने इस टॉक्सिन को खास बनाया है जिससे ये लोग मेरे ऑर्डर्स फॉलो करते रहे जबकि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक ठाक रहे। वैसे तुम मेरा थैंक्स बोल सकते हो, तुमने प्रॉमिस किया था कि हम इस संसार पे राज करेंगे, इस मल्टीवर्स पे राज करेंगे, क्रिएशन की पावर हमारे हाथों में होगी। क्या बकवास था, लेकिन मैं एक मल्टीवर्स का करूंगा ही क्या, उसमें तो मुझे बहुत बहुत सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में ये जरूर सोचा था कि मैं हंसा हंसा कर तुम्हारा चेहरा फाड़ डालूंगा। तुमने सही सुना, मैं तुम्हारे एक कॉस्मिक गॉड बनने का वेट कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे नाक के नीचे से इसे छीन सकूं, और मुझे ऐसा करने के लिए बहुत सारा नाटक भी करना पड़ता। मैं महान बनने वाला था, इतिहास की किताबों के अंदर मेरा नाम लिखा जाता। मैंने इस लेजेंड के हर एक मेंबर के लिए मौत का जाल बिछा रखा था जो उनके लिए काफी खतरनाक साबित होता, लेकिन साथ ही साथ उन्हें लगता कि वह इस जाल से बाहर निकल जाएंगे। और तभी मैं पूरे होल ऑफ डूम को सूरज के अंदर टेलीपोर्ट कर देता। लेकिन तुमने सारा काम खराब कर दिया, मैं इतने लंबे टाइम से तुम्हारे बेस के साथ छेड़छाड़ कर रहा था ताकि तुम अपने गॉडहुड के सपने को अपने सामने मरता हुआ देखो, और मैं बैटमैन और सुपरमैन के लिए एक सुराग भी छोड़ कर जाता ताकि वो अपने दुश्मनों को एक आखिरी बार जलता हुआ देख पाए, ताकि उन्हें ये दिखाई दे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। क्या तुम्हें ये फ्लावर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो टॉक्सिन भरा हुआ है वो किसी भी फोर्स फील्ड के आर पार जा सकता है, और अगर मैं इसका इस्तेमाल सही तरीके से करूं तो ये तुम्हारी खाल खाता हुआ तुम्हारे कान और दिमाग तक पहुंच जाएगा। वहां एक ऐसी हंसी बनाएगा जिसे सिर्फ सुपरमैन अपनी एक्सरे विजन से देख सके। तब तुम्हें अपनी इंटेलिजेंस घटती हुई महसूस होगी और वो दर्द मरते दम तक तुम्हारे साथ रहेगा। तुम मेरे पास आए थे और तुमने कहा कि तुम्हें मेरी जरूरत है, कहा कि मैं उन सब चीजों से क्या कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं सिर्फ तुम्हारा चमचा बनकर रह जाऊंगा। तो यही मेरा ब्यूटीफुल प्लान था, मेरा परफेक्ट प्लान। लेकिन ये वाला प्लान उस प्लान के सामने कुछ भी नहीं है जो बैटमैन हु लव्स तुम्हारे साथ करने वाला है। अगर मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ तो ये तुम्हारे लिए एक आसान मौत होगी, लेकिन तुम्हें देखना होगा कि जो तुम कर रहे हो उसका परिणाम क्या होगा। तुम्हें बैटमैन हु लव्स के प्लान का सामना करना होगा, और तब मेरी ये बात याद रखना कि जो भी कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। गुड बाय लैक्स। तो गाइस, तब जोकर वहां से जाते हुए एक दूसरा टॉक्सिन रिलीज करता है जिससे बाकी सब लोग अपने नॉर्मल फॉर्म में आने लगते हैं। उनका वो हंसता हुआ चेहरा फिर से ठीक हो रहा था। लैक्स चिल्लाया, मुझे यहाँ से नीचे उतारो। ग्रोड ने कहा, ठीक है चिल्लाओ मत। फिर ग्रोड वहाँ आए हुए बाकी सब विलन से कहते हैं, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो रीडर ने कहा, हम भाड़ में जा रहे हैं, मैं यहाँ इतनी दूर मून की डार्क साइड में जोकर को परेशान करने के लिए नहीं आया था, वो तो मैं घर में ही कर सकता हूँ। जो तुम लोगों को करना है करते रहो, लगता है तुम कुछ अच्छा ही कर रहे होगे, चीता बोलती है। तो अब क्या, ना हमारे पास जोकर है और ना ब्लैक मांटा, जबकि जस्टिस लीग के 8 मेंबर्स हैं, और क्या पता साइड में कितने होंगे, हम तो सिर्फ 4 हैं। लैक्स कहता है, मैंने तुमसे कहा ना हमारे पास पूरी ताकत है, लेकिन मेंटा फिर भी कह रही है ये सब बातें बाहर निकलेंगी, इससे हम कमजोर दिखाई देने लगेंगे। तो लैक्स ने कहा, लगता है तुम गलती कर रही हो, अब हमारे पास टोटेलिटी है, हम जीत रहे हैं। मैं यहाँ जोकर को सिर्फ उसके दिमाग के लिए लाया था, मुझे लगा कि अब जब यूनिवर्स का विनाश होने वाला है तो जोकर सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग होगा, लेकिन कोई है जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कंप्यूटर, बेस ओमेगा से कॉन्टेक्ट करो, मेरी आईवो के साथ बात करवाओ। आईवो, हमारे पुराने दोस्त को वापस ऑनलाइन करने का टाइम आ चुका है, हमें ब्रेनिया की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 2400 व्यूज या फिर 575 लाइक्स के लिए, मुझे पता है कि ज्यादा नहीं है,